नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव हूँ, न्यूरो सर्जन हूँ दिल्ली में। हम लोग मालिश करें कैसे? आपको मैंने शुरू में ही कहा कि पहले बंधे हुए लोग होते थे जो मालिश करते थे आके, और इसके अलावा हम लोग अपने शरीर की मालिश भी खुद कभी कभी कर सकते हैं। नवजात शिशु की मालिश जो है घर के लोग करते हैं, पैर की, हाथ की, पीठ की मालिश भी की जाती है ताकि पीठ की जो मसल्स हैं उनमें आराम आए। मालिश करने के कई तरीके हो सकते हैं, जो कि अपने हाथ से करें या आजकल बाजार में कुछ ऐसे यंत्र आ गए हैं जिनसे हम अपनी मालिश स्वयं कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से यंत्र हैं जो कि या तो कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उससे मालिश हो जाती है। तो इसलिए कुछ यंत्र भी हैं और हम अपने हाथ से भी स्वतः कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं अपनी मालिश। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मालिश जो है बहुत ज्यादा वो रगड़े वाली तगड़े वाली नहीं होनी चाहिए, जो पहलवान लोग पहले कर देते थे। उससे लाभ के बजाय हानि ज्यादा होती है, क्योंकि मसल्स में चोट लगती है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है मांसपेशियों के अंदर माइक्रो हेमरेजेस होते हैं जिससे कि उनके फाइबर टूटते हैं, माइक्रो हेमरेजेस होते हैं और मसल को नुकसान होता है। धन्यवाद।